जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस को। इससे पहले जो है पार्ट फोर वीडियो बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन उस पर हम कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज और काइंडली का कंसेप्ट। ठीक है, जैसे कि इस पर रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जब आपको सेंटेंस में प्लीज या काइंडली मिलेगा तो उसको कैसे आप लोग बनाइएगा, तो उसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर यू वर्ड रिक्वेस्टेड टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड से आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे इसका जब भी आपको प्लीज काइंडली मिलेगा तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, यू वर्ड रिक्वेस्टेड यहाँ तक आप लोग को अपने से लिख लेना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, तो ये वर्ब वन प्लस अदर वर्ड अपने से जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वो आगे लिख देना है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दिया गया है काइंडली हेल्प द पुअर। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे यू वर्ड रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं काइंडली हेल्प द पुअर, तो इस काइंडली के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू तक, ये यू आर रिक्वेस्टेड टू तक अपने से लिखना होता है। उसके बाद हेल्प द पुअर आगे आप लोग एज ए टीम लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीका से जब आपको सेंटेंस प्लीज या काइंडली से मिलता है तो उसको इस तरीका से आप लोग बनाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लीज गिव मी अ बुक। ठीक है, तो जब इसको हम लोग बनाएंगे प्लीज गिव मी अ बुक, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक कर लेंगे। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू उसके बाद गिव मी अ बुक। ठीक है, तो जब आपको सेंटेंस प्लीज काइंडली से आएगा तो उसको इस तरीका से इसका फंक्शन काम करता है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहां पे जैसे क्वेश्चन दिया गया कि लेट प्लस सब्जेक्ट नंबर वन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट नंबर टू। ठीक है, पहले आप लोगों को हम बता देना चाहेंगे कि लेट जो होता है, लेट अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। ठीक है, लेट अपने बाद हमेशा ये क्या लेता है जी, ऑब्जेक्टिव केस लेता है, कभी भी सब्जेक्ट नहीं लेता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट नंबर वन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट नंबर टू, यानी कि जब सेंटेंस आपको लेट से दिया जाए और उसमें दो ऑब्जेक्ट आपको मिले तो उसको कैसे बनाइएगा, उसको यहाँ पर आप लोग देखिए। जैसे कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट नंबर वन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट नंबर टू, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, लेट प्लस ये ऑब्जेक्ट नंबर टू है इसको यहाँ लिख लीजिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट नंबर टू प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट नंबर वन कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि लेट अस प्ले क्रिकेट। ठीक है, लेट अस प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ऑब्जेक्ट नंबर वन है और ये ऑब्जेक्ट नंबर टू है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई अस कर लेंगे। ठीक है, प्लेड बाई अस कर लेंगे, आप लोग को समझ में आ रहा है। लेट प्लस यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट नंबर वन है, ये ऑब्जेक्ट नंबर टू है, तो इसको बनाया है तो लेट क्रिकेट बी, ये जो है ऑब्जेक्ट नंबर टू के बाद बी लगा करके उसके बाद वर्ब थ्री किए हैं और प्रीपोजिशन बाई के बाद, ये जो है ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट ही उधर आएगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो इस तरीका से जब आपको डबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो इस तरीका से आप लोग को बनाना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिया गया है लेट हिम प्ले ए फुटबॉल, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाला लेट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो लेट ए फुटबॉल बी प्लेड बाई ए हिम हो जाएगा, लेट ए फुटबॉल बी प्लेड बाई ए हिम करके इसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है लेट से लेट का कंसेप्ट हुआ। ठीक है, ये आपका प्लीज काइंडली का कंसेप्ट हुआ। ठीक है, अब एक और लेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे अदर वर्ड। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, लेट के बाद जब ई गो ऑब्जेक्ट मिलेगा, कह गो जी ई गो ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, तो इसमें क्या कीजिए, यू आर सजेस्टेड डैट। ठीक है, यू आर सजेस्टेड डैट, उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद ये जो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है ना, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदलिए। ठीक है, तो यू आर सजेस्टेड डैट, उसके बाद लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद शुड अपने से लगाइए, उसके बाद वर्ब वन प्लस अदर वर्ड कर लीजिए। ठीक है, जब आपको सेंटेंस लेट के बाद ऑब्जेक्ट नंबर वन प्लस वर्ब वन दिया जाए तब। ठीक है, तो यहां पे देखिए जैसे कि एग्जांपल लेट अस डांस दिया हुआ है ना जी, लेट अस डांस, तो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे यू आर सजेस्टेड डैट वी शुड डांस। ठीक है, वी शुड डांस, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो अभी आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अभी जितने भी आप लोग को जो एग्जाम में ज़्यादा पूछने की चांस है उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को करा रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोग को बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग को 20 क्वेश्चन जो है क्लर्क में पूछेगा, स्टेनो में 25 क्वेश्चन पूछेगा और कोर्ट रीडर में
20 क्वेश्चन पूछेगा और प्यून में भी 15 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इंग्लिश कंप्लीट रूप से सीख पाएंगे, ठीक है। और इस पर रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो है इस चैनल पे आप लोग को अपलोड किया गया है और ऐसे ही कंसेप्ट से इस सभी वीडियो को डाला जा रहा है। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, जिससे यहाँ पर जो भी अपडेट हो सरकारी एग्जाम से लेकर के या जो भी आप लोग को यहाँ पर वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिले और इस चैनल से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।